अभी पिछले दो तीन वीडियोज में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम एक सवाल के माध्यम से देखेंगे कि विभागीय भंडार में जब विभिन्न विभागों के साथ व्ययों के अनुभाजन वितरण और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अगर विक्रय मूल्य पर किए गए हों तो किस प्रकार प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है उसके संबंध में समायोजन किए जाते हैं, तो यह हम एक सवाल के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक रबर कंपनी के दो विभाग टायर तथा ट्यूब हैं। 31 मार्च 2019 को उनकी लेखा पुस्तकों से निम्नलिखित सूचनाएं संग्रह की गई हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 दो डिपार्टमेंट, टायर्स डिपार्टमेंट और ट्यूब्स डिपार्टमेंट, यह है 25,000 और 20,000 ओपनिंग स्टॉक। परचेजेज सेल्स एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इन 2017-18। यहाँ पर हमें लाभ ज्ञात करने के लिए, लाभ हानि ज्ञात करने की, ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए एक परसेंटेज रेट दी गई है विक्रय पर आधारित। इसके आधार पर हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई न कोई चीज मिसिंग फिगर में हमें निकालनी पड़ सकती है, अथवा ये जो रेट है 17-18 की, ये 17-18 की रेट ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको निर्धारण करने के काम में आ सकती है। तो सवाल पढ़ते समय हमें इसका ध्यान रखना है। रेंट एंड टैक्सेज 5,000 और 7,000 हम जानते हैं, ये लाभानी खाते से संबंधित है। सैलरीज एंड वेजेज 16,000 और 20,000, ये भी लाभानी खाते से संबंधित है। एडवर्टाइजमेंट 2,000 और 8,000, ये सूचनाएं विभिन्न विभागों की संबंधित दी गई, अर्थात ये प्रत्यक्ष खर्चे हैं, अलोकेबल हैं, प्रत्यक्ष हैं, ये इनसे सीधे संबंधित हैं। तो इसके बाद अन्य सूचनाएं निम्नलिखित हैं कि विविध व्यय 4,500 हैं, जो कि टायर और ट्यूब विभागों में 4:5 के हिसाब से हमें बांटने हैं। 4:5 के रेशियो में सन्ड्री एक्सपेंसेस बांटने हैं, अर्थात ये आधार इन्होंने स्वयं नहीं दे दिया सवाल में। टायर विभाग का अंतिम स्कंध 50,000 है। अंतिम स्कंध यानी 31 मार्च 2019 को 50,000 है, उसमें से 10,000 रुपए का माल वह है जो कि ट्यूब डिपार्टमेंट से क्रय किया गया था। ट्यूब विभाग का अंतिम स्कंध क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपए है, जिसमें टायर विभाग से किए गए क्रय के रुपए 15,000 शामिल है। टायर और ट्यूब दोनों विभागों के प्रारंभिक स्कंध में क्रमशः 5,000 तथा 7,500 रुपए का वह माल शामिल है जो कि अंतर विभागीय लेन देनों से आया है। अब हमें ओपनिंग स्टॉक का फिगर देखना है कि 25,000 और 20,000, तो इन 25,000 और 20,000 में क्रमशः इस 25,000 में से 5,000 का माल ऐसा है जो ट्यूब्स डिपार्टमेंट से आया होगा और ट्यूब डिपार्टमेंट्स ने पिछले साल अब इस पर लाभ जोड़ा होगा। इसी तरह ट्यूब डिपार्टमेंट के 20,000 के स्टॉक में 7,500 रुपए का वह माल है जो कि टायर्स डिपार्टमेंट ने भेजा होगा और इस पर अपना प्रॉफिट लिया होगा। तो जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व जो हमें मेंटेन करना पड़ेगा वो ओपनिंग स्टॉक पर भी करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक पर भी करना पड़ेगा, सही लाभ हानि यदि हमें ज्ञात करनी है। दोनों विभागों के अंतर विभागीय हस्तांतरण बाजार मूल्य पर किए जाते हैं। साफ दे दिया इसने बाजार मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार में वो चीज बेची जाएगी तो क्या है, वो सेलिंग प्राइस ही है। रबर कंपनी के व्यापार तथा लाभ हानि खाते बनाइए। तो रबर कंपनी के व्यापार और लाभ हानि खाते बनाने, साथ ही हमें स्तंभाकार रूप में टायर और ट्यूब डिपार्टमेंट के लिए भी अलग अलग कॉलम बनाते हुए
यह सवाल हमें सोल्व करना है। अब इसको हम थोड़ा इस सवाल को सोल्व करके आम तौर पे जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी करेंगे।